गुड मॉर्निंग, आई एम केपी गुप्ता फ्रॉम जबलपुर। आज जहां मैं खड़ा हूं वो है डेडिकेटेड साइकिल लेन और फुटपाथ। ये गोरखपुर के थोड़े आगे से शुरू होके ग्वारी घाट तक जाता है, पूरा डेडिकेटेड लेन है साइकिल चलाने वालों के लिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुरक्षित, और इससे आप ग्वारी घाट जाके नर्मदा के दर्शन कर सकते हो। इसमें दूसरे वाहन नहीं आते। मैं जबलपुर एडमिनिस्ट्रेशन को इस शानदार काम के लिए बधाई देना चाहता हूँ। सारे शहरों में होना चाहिए ये डेडिकेटेड लेन में। हमारी साइकिल खड़ी है, आपको दिखाते हैं। ये डेडिकेटेड लेन पे मॉर्निंग के समय दौड़ लगाते हुए बच्चे एक नया उत्साह पैदा करते हुए हमारे बीच में। मैं उन सब बच्चों को गुड मॉर्निंग कहता हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम साइकिल चलाते हुए उस साइकिल पाथ को मैंने जो दिखाया था पहुंच गए हैं। आप समझ तो गए होंगे, चूंकि मैं जबलपुर में हूं तो ये ग्वारी घाट है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहां का आपको हम दिखाना चाहेंगे। बहुत ही बढ़िया जगह है और ये मेरी नई हम सफर है, टाटा की हीरो की ई बाइक है ना। अभी इसकी खूबियों पर कभी चर्चा करेंगे कि ये ग्वारी घाट का नज़ारा, ढेर सारे पक्षी, सुबह सुबह ये सब देखने को मिले तो कितना अच्छा लगता है। ढेर सारे पक्षी हैं इधर, आप देख पा रहे होंगे। और नदी के उस पार एक बहुत ही पवित्र स्थल गुरुद्वारा, और नदी के इस तरफ ढेर सारे मंदिर हैं, उनसे भी आपका परिचय कराऊंगा। ये नज़ारा है ग्वारी घाट का। आप जबलपुर आए तो बहुत जरूर पहुंचे। मदनबेल से 7-8 किलोमीटर दूर है मदनबेल स्टेशन से ये नज़ारा यहाँ का। और अब आपको वो मंदिर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर घाट पे बने हुए बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे खाने पीने की दुकानें भी हैं। ये पूरा बाजार है जिसमें आप खाना पीने कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, ये सूर्योदय देखने को मिलता है ग्वारी घाट का, तो बहुत ही खूबसूरत। ग्वारी घाट पे अनेक प्राचीन मंदिर है। एक ये प्राचीन मंदिर जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा ऊपर चढ़ के है और अच्छा स्थान है। उस पार जाने के लिए आप वाहन के सहित इस नाव से उस पार जा सकते हो, जहाँ पर ये गुरुद्वारा ग्वारी घाट साहिब है। ये अनेक स्थल है यहाँ पर। घाट पर अनेक छोटे छोटे पूजा स्थल हैं, इनमें से एक ये भी है। थैंक यू।